गाइस आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दिस ड्रीम कैचर, जो कि बहुत ही अच्छा मल्टी कलर का मैंने बनाया है वाइट पर्ल्स एंड ऊन के साथ। जो भी मटेरियल था मेरे पास उसी से मैंने बनाया है, कुछ भी नया नहीं लिया है। तो कुछ प्रोडक्ट्स कम भी पड़ गए थे, बट आप देख सकते हो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। सो देख लेते हैं इसके लिए मटेरियल क्या लगेगा। फर्स्ट आपको इसके लिए ग्लू गन लगेगी, एक स्टिक लगेगी इस तरीके की, एक लेस लगेगी, वाइट कलर के पर्ल्स, मल्टी कलर के फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे, ऊन है, एक रिंग है और ए फोर साइज़ का ग्रीन कलर का शीट है, कुछ लेसेस रखी हुई थी मेरे पास। सो आपको एक ग्रीन कलर की शीट लेनी है ए फोर साइज़ की, उसके ऊपर हाफ पर इस रिंग को रखना है और ड्रॉ करना है पेंसिल की हेल्प से। हमें आप चाहें तो लीफ बना सकते हैं, मैं लीव्स बनाने वाली हूँ इस वजह से इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। तो बाउंड्री पे मैंने बना लिया है और उसके बाहर की साइड से लीव्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम सिंपली इसको कट कर लेंगे, जैसे कि बेसिकली हम कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको कट करते हैं। यहाँ पर लाइट कलर की ही ग्रीन कलर की शीट थी मेरे पास, अगर आपके पास जाके तो आप डार्क ले सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, मेजर कर रही हूँ कि कितना फोल्ड करना है। सिल्वर कलर की लेस रखी हुई थी, ये भी थोड़ी सी कम पड़ गई थी मुझे, बट उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से हाइड कर दिया, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसके कॉर्नर पे ग्लू लगा लिया है और इस तरीके से आपको पूरी जो रिंग है उस पर फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो रिंग बड़ी छोटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कलर्स, फ्लावर्स, लीव्स, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सेम ही बनाएं। सो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अगेन ग्लू गन की हेल्प से इस कॉर्नर को चिपका रही हूँ और इसे भी इस राउंड के ऊपर लगा दूंगी। कंप्लीट होने के बाद ऊन लेना है आपको और जितना आपके पास ऊन हो, मेरे पास इतना ही बचा हुआ था क्योंकि लास्ट मैंने अपने बैकग्राउंड के लिए ऊन यूज़ कर लिया था। इसमें पर्ल्स को पहले पिरो लूँगी अच्छे से जितने मुझे चाहिए, आप बाद में भी पिरो सकते हैं, लास्ट वाला उसका मुँह बचेगा। तो सो इस तरीके से मोतियों को मैंने पिरो लिया है। फर्स्ट कॉर्नर जो पॉइंट था हमारा जहाँ से हमने मोती पिरोए थे उसे बांध लूँगी और कैंची से कट कर लूँगी जो भी एक्स्ट्रा धागा है, इससे फिनिशिंग आएगी। और आपको कोशिश करनी है आप उस एरिया पे ही नॉट आने दो जो चिपकने वाला है या हम फ्लावर लगाने वाले हैं, इससे फिनिश अच्छा आता है। तो एक एक मोती को आपको छोड़ते जाना है और अपने धागे को, अपने ऊन को फोल्ड करते जाना है। नॉर्मल धागा भी आप ले सकते हो, बट वाइट कलर का ऊन बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरीके का अगर आप मल्टी कलर की वॉल पर लगाते हो तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है, या प्लेन के साथ भी लगाते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैं पूरे रिंग पर फोल्ड कर लूँगी, जहाँ गैप ज़्यादा है वहाँ मैं अच्छे से फिल कर लूँगी और अगेन मैं थोड़ा सा टाइट करके इस नॉट को लगा रही हूँ। आप देख सकते हो जहाँ पर लेस नहीं लगी हुई है उसी के पास में मेरी दोनों नॉट आई थी, क्योंकि उन दोनों नॉट पर मैं इस तरीके का ये जो शीट मैंने काटी थी ए4 साइज़ की ग्रीन कलर की लीव्स की, उसे मैं लगाने वाली हूँ। तो ग्लू गन की हेल्प से पहले उस पर ग्लू लगा रही हूँ, देन मैंने अपना जो सर्कल है उसको वहीं रख रखा है क्योंकि मैं उसी से इस तरीके से उसके ऊपर रख दूँगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना वो उड़ा और बिल्कुल करेक्ट अप्लाई हुआ था, जैसा चिपकाना चाहती थी वैसा ही चिपका था। इस तरीके से उसको थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं फ्लावर्स लगाऊँ तो वो फ्लावर के ऊपर टच हो और बिल्कुल नेचुरल लीव्स लगे। फर्स्ट वाली जो लीव है थोड़ा सा गलत हो गई थी मुझसे कि वो मैंने नीचे की साइड से चिपकाई थी, बट मैं उसको ठीक कर लूँगी। सो इस तरीके से फ्लावर्स मैंने बना मतलब रेडीमेड मिलते हैं आपको, आई थिंक 10 रुपीज़ ईच मिलता है। 4-5 फ्लावर्स रखे हुए थे तो मैंने इस तरीके से 3 फ्लावर्स को लिया है, 2 फ्लावर्स सेम कलर के थे इसलिए उसे बाउंड्री पे लगाया और सेंटर में दूसरा। तो जिन कलर के फ्लावर है लाइक ब्लू एंड पर्पल कलर का फ्लावर इसी तरीके की मैंने लेस ली है, तो आपको थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा। और लीव भी मैंने 3 ही डाली थी, मतलब 6 डाली थी और उसके ऊपर आप देख सकते हो मैंने एक लीव लगा ली है जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो सिंपली ऐसे बना दी थी। तो आप सिंपली कोई भी लीव बना लीजिए सेम शीट की, शीट आपकी बची है। नेक्स्ट सिंपल सा थ्रेड लिया है, उसको नॉट लगा लिया है और ऊपर की साइड हैंग करने के लिए उसको इस तरीके से हम गिठान लगा लेंगे जिससे कि हम उसको किसी भी कील पर अच्छे से होल्ड कर पाए। नेक्स्ट लेस को अच्छे से कट कर लिया है और आपको डार्क ब्लू पर्पल इस तरीके से अलग अलग करके यूज़ करना है, आपको कैसे आप लगा रहे हो ध्यान रखना है। इस टाइम इस मेथड से मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है, अदरवाइज़ मैं नीचे की साइड से रिंग में थ्रेड को डालती हूँ और फिर नॉट लगाती हूँ, बट आज मैंने ऊपर से डाला था इस वजह से मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी क्योंकि उस तरफ की प्रैक्टिस नहीं है मेरी।
थी। तो इस तरीके से मैंने आई थिंक 7 से 8 लेयर इस लेस की बना ली थी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फील नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद। सो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है और कुछ इस तरीके का फाइनल फिनिश लुक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।